गाइस मारने चल रहे हैं गाइस, तलवार और मार रहे हैं। कुछ पल्ले नहीं पड़ा ना आपका भाई, ये बताने के लिए डोंट वरी। ये एक तरह की रस्म है, जिस तरह से रंगों की रासलीला कृष्ण कन्हैया हमें सिखा कर गए थे उसी तरह की। इसको मेरी लैंग्वेज में तीज कहते हैं और इसको शशि पूजन कहते हैं। इसमें लड़कियां और लड़के मिलजुल के डांस करते हैं और लड़के जो होते हैं वो लड़कियों को सताते हैं। ये उसी तरह की रस्म है जिस तरह रंगों की रासलीला है कृष्ण कन्हैया हमें सिखा कर गए थे। तो बने रहिए और देखते रहिए। मतलब ये जो रस्म है इसको शशि पूजन बोलते हैं। शशि जो होता है वो फसल को भी कहते हैं और फसल की पूजा भी की जाती है इसी टाइम पे। भारतवर्ष में रस्मों की कमी नहीं है। ये ऐसा देश है जहाँ पे हजारों रस्में परंपराएं होती हैं, जहाँ पे सुख समृद्धि और बड़ी खुशी के साथ रहते हैं लोग। दुख पीड़ा दर्द ईर्ष्या इन सबसे दूर दूर तक का कोई नाता नहीं होता, क्योंकि हर 15-20 दिन में एक फेस्टिवल होता है। मारगोर बंजारा बाई बिया तमनोन हाथ जोड़ी राम रामी जय सेवालाल महाराज। गाइज वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो आज दिन की शुरुआत है, आज की ताजा खबर है हमारे ब्लॉगर V97 के साथ। Hey, buddy. YouTube चैनल लग रहा है, मैं पानी मेरा लौड़ा पानी मेरा लौड़ा पूरे एक महीने के बाद ना रहे। Thanks, love you. जैसे मैंने कहा था, आज शशि पूजन का 9वां दिन है। तो आज जो हमारे गांव के सरपंच है, गांव के मुखिया, उनके घर के सामने डांस किया जाता है। डीजे साउंड बॉक्स जो भी है और वो जो बजरा है वहां पे डंकन वो भी बजता है। और अभी यहां पे पूजा होती है, पूजा होने के बाद विसर्जन किया जाता है। सानवी ने ऐसा मुंह बनाया जैसे इसकी माँ ने इसको धो के कपड़े पहनाए होंगे। वो जो बीच में घूम रही है वो गांव की मुखिया यानी सरपंचनी है, मेरी दादी। और ये जो मतलब राउंड में जो सारी औरतें घूम रही है ये उन्हें सम्मान कर रही है गाना गाकर। औरतों का गाना मुझे तो समझ में नहीं आता। अगर गांव में कुछ भी समस्या हो औरतों से रिलेटेड या मर्दों से रिलेटेड, मतलब जो भी समस्या हो, गांव के सरपंच वहां पे आते हैं बात करने के लिए। तो वही सारे सम्मान वो सारी औरतें मिलके उन्हें दे रही है। आओ जगह चौक कैमरा में, कैमरामैन फोकस करो। देखने एक और टीम आ गई, हम पहले आ गए, अभी दूसरे नंबर पे ये पीछे से और बहुत सारी कन्याएं आ रही है। तो सब मतलब सज धज के आ रही है, यहाँ पे पूरा दिन शूट करना है आज और देखते रहना है। इतनी सारी खूबसूरतियाँ हैं आज, पलके नहीं झपकाना है, बस देखते रहना है। पूजा हाँ
कुछ देर पहले पूरा आंगन खाली था और अभी आंगन में पैर रखने के लिए एक जगह भी नहीं है। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। ए मामर छोरी क्या रिस्क मिली है, वाह वाह। खिलाड़ी का आगमन हो गया है, अभी डीजे मेरे बाजू में ये जो क्रिस गेल खड़ा है, ये जितना काला है दिल इसका उतना ही गोरा है, यानी साफ है। और ये बस्ती का हस्ती ब्रो, मतलब वो पीछे खबरी, जबरदस्त लोग है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मस्त में चल रहा है, इनको लड़कियाँ छीनेगी और वो जो नीचे है ना लकड़ी का उसको भी छीनेगी। परंपरा है, प्रतिष्ठा, अनुशासन निभाना पड़ता है। लो खाओ पियो मजे करो। ये क्या मुर्गी चोरों को यहाँ पे रखा है, एकदम हट्टा कट्टा लड़का होना चाहिए यहाँ पे। लड़कियाँ ऐसी नोचती है ना उसको छीनने के लिए, देखना अभी। थू है उसकी जिंदगी पे, थू लानत है, जल्दी हार गया। हे भगवान, कौन सा चक्की काटा खाती है, लड़के को जिंदा खा जाएगी लगता है। महंगे नेल पॉलिश लगा के यहाँ पे लड़के को नोचने के लिए आई है। आखिरकार जीत गई लड़कियां। अगर वो नहीं छीनती है तो उस लड़के का पैर पकड़ना पड़ेगा, सभी लड़कियों को हमें दे दे करके गिड़गिड़ाना पड़ेगा। लेकिन लड़कियां ना नाखून से बाल भी खींचती है और शर्ट भी फाड़ देती है कभी कभी। हम लोगों ने बाद में बहुत गालियां दी, बुजदिल साले एक दो मिनट भी नहीं टिके। यहाँ पर नहीं टिकते तो बाद में कहाँ पर टिकेंगे। अब पूरे गाँव वालों की इज्जत फूलचंद पान वाला के पास है फिर से। अब वो भी छीनना पड़ेगा लड़कियों को, छोटा सा पॉट है। सांड को रेडी किया जा रहा है मैदान में उतरने से पहले, ताकि ज़्यादा देर तक टिक सके। रेडी स्टडी गो। औरतों का पूरा सपोर्ट है लड़की को, लेकिन दो तीन ही मर्द खड़े हैं हम लोगों के लड़कों को सपोर्ट करने के लिए। गुटका पान खा के कुछ बचा नहीं, इसमें कहाँ से ले जाएगा ऊपर नीचे। वो जो ये है शशि का पॉट है, उसको दो तीन बार ऊपर नीचे करना पड़ता है, लेकिन लड़कियों ने एक बार में ही नीचे ले लिया। लानत है इस पे, मैं यहाँ से थूकता हूँ उसको। छोड़ मत।
ओहो छोड़ दिया, पान मसाला खा के कुछ बचा नहीं, इसमें लाल लाल हो गए। खुद को दिखाने जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे, हम सब बंदर की तरह देख रहे हैं। लाइक करो, फॉलो करो, और कुछ नहीं। अंगड़ माया
जैसी परंपरा है वैसे ही अनुशासन होता है। वैसे अभी यहाँ पर जो भी कन्याएं हैं वो सभी बड़े लोगों के पैर छू रही है और उनसे आशीर्वाद ले रही है अपने अच्छे जीवन की कामना पूरी करने के लिए। जैसे कि बड़े कह गए हैं, यदि कोई बड़ा ना रहे तो ज्ञान नहीं रहेगा, यदि कोई छोटा ना रहे तो आशा नहीं रहेगी। तो बड़ों से ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। तार आशीर्वाद पूरा हो। गौरी पूजा यानी तीज का आखिरी पड़ाव है। अब इसको आपस में बांट कर प्रणाम करते हैं और गले मिल के रोते हैं। ने
ये एक अजीब रस्म है जिसमें जो चना होता है ना उसको बोर के कांटे में घुसाना होता है, 5 चने। अगर वो कांटे में चना घुसा देगी तो वो जीत गई, हमें उसे घुसाने नहीं देना है, डंडे से उसको गिराते रहना है। रोतड़ू लड़कियाँ हमेशा रोने धोने आ ही जाती है यहाँ पे। वो देखो प्रोटेक्शन करने के लिए आ रही है अपनी लड़कियों को। एक भी चैलेंज पूरा नहीं किया इन्होंने रोतड़ू कहीं की। अरे यार ये गोबर का कीड़ा हमेशा मेरे कंटेंट में घुसता ही रहता है, और ये बंदा एकदम छपरी है वो पूरा। पहला मिशन सक्सेसफुल। चोरी से आके एक ही चना डाला था हमने, वो भी गिरा दिया और पूरा झाड़ को ही खत्म कर दिया। चना झाड़ी में डालने का छोड़ के वो सब चबा रही है घोड़ों की तरह, क्योंकि चना उबाला हुआ है ना। गाइज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए, और मेरे दोस्त भी यही बोल रहे हैं, वीडियो लंबा होने की वजह से मैंने बहुत फॉरवर्ड किया है इसमें, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।